नमस्ते, आई एम डॉक्टर संजीवनी एंड एज वी आर मूविंग अहेड विद द सीरीज ऑफ शेयरिंग द केसेस विद यू. हियर टुडे आई एम शेयरिंग अ केस ऑफ 2 year ओल्ड गर्ल एंड शी केम अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंडमा. सो देर वर 3 एल्डर्स अकंपनीड विद अ स्मॉल लिटिल गर्ल एंड शी वॉज वेरी क्रैंकी. शी वॉज क्राइंग अ लॉट, लाउड क्राई. बच्चे रोते हैं पर रोने का पैटर्न अलग है. कुछ ऐसे सॉब करते हैं, कुछ थोड़ा सा आवाज़ करते, तो कुछ इतना आवाज़ करते कि पूरी बिल्डिंग को पता चल जाए, है ना, लाउड स्पीकर वाला क्रैक. तो शी वॉज इन द कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी. ओके, तो ऐसा सब था और ग्रैंड माँ ने उठाया है. फिर उसके बाद नहीं, पापा के पास जाना है तो पापा ने ले लिया. फिर वहाँ पे जाके रोई, मम्मा चाहिए तो मम्मा के पास. तो ऐसे वो सफल हो रही थी. ठीक है, तो आई आस्क्ड, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस भी रही थी. शी वॉज कॉफिंग, बहुत गंदा ड्राई कॉफ था उसे. ठीक है, और इरिटेशन भी काफ़ी था. तो परेशानी सिर्फ बच्ची को नहीं थी, पेरेंट्स को भी उतनी ही थी. उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो पता चल रहा था. तो बिकॉज एवरीबडी सिटिंग इन द वेटिंग एरिया हर्ड दैट लाउड क्राई एंड दैट वेरी बैड कॉफ, सो दे सेड ओके ओके, यू गो अहेड, आपका होने के बाद हम लोग जाएंगे. सो उसका नंबर बाद में था, फिर भी वो पहले आ गई. ठीक है, तो उसकी तरफ मैंने देखा, बहुत ही क्रैंकी, रो रही है, चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है. तो मैंने पेरेंट को पूछा कि कब से है, तो वो बोले कि ये तो खांसी तो अभी हो गए डॉक्टर, 6 दिन हो गए. हम लोग पहले एलोपैथ के पास गए थे, 5 दिन का दवाई लिया, एंटीबायोटिक वगैरह सब उन्होंने दिया था, वो किया, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सा ठीक हो जाती है, बट अगेन द कॉफ इज़ देयर. तो वो रिज्यूम हो जाते हैं और ऐसा ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है. तो हम लोग के नेबर भी परेशान हैं. तो ये चीज़ें हैं. अभी देखो, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक सिम्टम को पकड़ के उसके ऊपर दवाई दे देते हैं. तो ड्राई कॉफ है तो इसको लेके आपके भी दिमाग में आया रहेगा कि ब्रायोनिया देना चाहिए, पर ब्रायोनिया मैंने नहीं दिया. ब्रायोनिया काम नहीं करेगा. हम लोगों को उसको थोड़ा सा सप्रेस नहीं करना है, यहाँ सप्रेस कर दिया हो गया अपना काम, नहीं, हम लोगों को उसे क्योर करना है ना. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, सीनरियो क्या है. तो जैसे मैंने बोला कि ग्रैंड माँ, मम्मी, पप्पा, इसके अलग अलग तीनों के पास गोदी में वो जा रही थी, और इसके पास जाके तुरंत बोलेगी उसके पास जाना है, उसके पास जाके इसके पास जाना. और बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी उसको था, इतना रो रही थी कि इवन दो वी वेर सिटिंग जस्ट अ टेबल अपार्ट, हम लोगों को एक दूसरे का बात अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा था, मुझे और उसके पेरेंट्स को. तो वो रिपीट करना पड़ रहा था कि हम बोल कह रहे, ताकि मैं क्या बोलूँ उनको सुनाई दे, वो क्या बोले मुझे सुनाई दे. तो मैंने उनको बोला कि आप में से कोई है किसको लेके थोड़ा बाहर जाओ, तो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या बात करें. उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरली ये ऐसे ही क्रैंकी रहती है, पर अभी ये खांसी के बाद डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसका क्रैंकीनेस और ये सब रोना धोना बहुत बढ़ गया है. और ये जो भी हम लोग देते हैं, जो भी हम लोग क्या दें इसको, ये तो रूल करती है घर पे. ये इकलौती छोटी बच्ची है घर में, बाकी हम लोग तीनों बड़े हैं. तो ये जो मांगती है वो हम लोग देना ही पड़ता है, और नहीं देते तो वो बहुत ऐसे तमाशा करती है, मतलब नीचे बैठ के चीज़ें पटक देगी, नहीं सुनेगी, रोएगी. और दे भी देते तो फिर बोलते कि इतना लेट क्यों दिया और फेंक देगी. तो ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है हम लोगों को. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. तो दिस इज द केस. ठीक है, तो आप क्या सोचे, बोलो आप क्या देंगे ऐसे वाले बच्चे को. और ना ये जो केस है इसमें ना बच्चे से ज़्यादा परेशान ना पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि उनको नेबर के भी ताने सुनने पड़ते हैं और बच्चे को भी संभालना इतना मुश्किल होता है, और उनको दुख भी रहता है कि अरे बच्चा बीमार भी है. तो पेरेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान और बेचारे, बहुत बेचारे, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है. सो इन दिस केस इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ देना बच्चे को बहुत ज़रूरी रहता है, और इसलिए होम्योपैथी में एक बहुत बढ़िया दवाई है. नाउ ऐसा है ना कि बच्चे का इतना इम्पेशेंस है इस केस में, तो जनरली आई डिस्क्लोज द मेडिसिन इन द कमेंट बॉक्स, बट नाउ आई डोंट फील लाइक वेटिंग फॉर दैट. सो कैमोमिला दिया उसको, और उसके बाद कैमोमिला मैंने वहाँ पे बना के उनको बोला कि अभी वो बाहर खड़ी है ना, बच्ची को लेके खड़े हैं वो पापा, उनके पास जाओ, उसको दवाई खिलाओ और वेटिंग एरिया में बैठो, तब तक आई टेक अनदर केस. मैंने ऐसे किया, उसने दवाई खाया. उसके बाद क्या कर रही होगी वो, सोचो
शी स्लेप्ट, ओके, सो गई और बैठी थी आराम से, मतलब उसके मम्मी डैडी ना जो ग्रैंडमा थी वो बैठे थे और वो गोदी में सो गई थी, और बाकी के लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो अभी आवाज़ नहीं है। तो दिस इज़ द मैजिक, वो अच्छे से सो गई और बहुत शांति हो गई और पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। इतना ही नहीं, उसकी खांसी 2 दिन में गायब हो गई, इट टुक 2 डेज, थोड़ा कम होके फिर चले गई, पर 2 दिन में शी वॉज ऑल ओके। ओके, एंड दिस इज द केस वेयर 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होने के बावजूद भी खांसी था, जो अपने 2 दिन के होम्योपैथिक कोर्स से पूरा चले गया, समझ में आया ना? तो इट इज़ द मैजिकल पावर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड होम्योपैथी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। तो सीखो और आगे बढ़ो, अपने पेशेंट की मदद करो, एंड यू विल एन्जॉय दिस प्रोफेशन ऑफ बींग अ होम्योपैथ। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।